Last year, in the month of October, Department of Post on a national level organized this competition known as Adhai Akhar Letter Writing Competition, जिसमें हमारा थीम था इंडिया विजन 2047, जिसमें दो कैटेगरीज थी. वन कैटेगरी वॉज बिलो 18 ईयर्स एंड द सेकेंड कैटेगरी वॉज ओपन एंडेड कैटेगरी अबव 18 ईयर्स. तो लास्ट ईयर ये हमने ऑर्गेनाइज किया था एंड आई मस्ट से इन द टाइम वेयर मॉडर्न टूल्स लाइक व्हाट्सएप एंड ईमेल एंड क्विक मैसेजिंग मोड्स आर टेकिंग द प्लेस ऑफ ओल्ड कन्वेंशनल मेथड्स सच एज लेटर राइटिंग. सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज अगेन रिविजिटिंग द पास्ट एंड टेकिंग द इनिशिएटिव कि हम वो जो लेटर राइटिंग का जो एक ट्रेंड था जो खत्म हो गया है उसको इन्होंने फिर से वापस जागृत किया है. इन एन इजी वे वी कैन से यू ओनली हैव टू राइट वन लेटर एंड यू कैन विन एक्साइटिंग प्राइजेस. तो एक्साइटेड प्राइजेस के अंडर इसमें था कि जो ऑन द स्टेट लेवल था कि फर्स्ट प्राइज था 25,000, सेकेंड प्राइज था 10,000 एंड थर्ड प्राइज था 5,000. सिमिलरली ऑन ए नेशनल लेवल द फर्स्ट प्राइज था वो 50,000 था, सेकेंड प्राइज था 25,000 एंड थर्ड प्राइज था 10,000. एंड सुनीता गुप्ता को अभी हमने पोस्ट मास्टर मैम के साथ हमने कैश प्राइज ऑफ 25,000 अवार्ड किया है. एंड आई एम प्राउड टू से दैट कि ऑन ए स्टेट लेवल सुनीता गुप्ता हैज़ कैप्चर्ड प्राइज फर्स्ट प्राइज ऑन द बिहाफ ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट. सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द कठुआ, सभी कठुआ वासियों के लिए एक प्राउड मोमेंट है. एंड थ्रू दिस आई मस्ट कन्वे दिस मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स कि इन दिस अपकमिंग ईयर इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर वी आर अगेन going to organize the such competition on the behalf of India Post such as Philately and again letter writing competition which will also again will be held in the month of October. So badh chadh kar aap is pe participate kare and you can win exciting prizes also. ने प्राइज दिया है सरिता मैडम जी को, ये हमने इनको एक कंपटीशन हुआ था जैसा कि अभी पंकज शर्मा जी ने आपको डिटेल में बताया है कि डाई अक्षर का एक कम्पटिशन होता अक्टूबर 22 में हुआ था. तो ये कम्पटिशन हम हर साल मतलब कि करते हैं ऑर्गेनाइज, तो हमारे लिए ये बड़ा प्राउड का मोमेंट है कि स्टेट लेवल पे ये मैम फर्स्ट आई हैं. तो ये कॉस्मिक आर्ट स्कूल में कार्यरत हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये हमारे मतलब कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट पूरे स्टेट में से ये और कॉस्मिक आर्ट स्कूल की मैडम जो है उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है. तो मैं यही कहती हूँ कठुआ वासियों को, यही बोलती हूँ कि आप इस चीज़ को में बढ़ चढ़ का हिस्सा लें. डिटेल में जो है सब पंकज जी ने बता दिया आपको कि कैसे है, पहले कैसे लेटर लिखते थे, आजकल लेटर का जो ये काम जो ख़त्म हो रहा है, व्हाट्सएप का मैसेज ईमेल का वो दौर चल रहा है, तो इसकी वजह से सब ख़त्म हो रहा है. तो इसके लिए ना हम इसीलिए गवर्नमेंट प्रोत्साहित करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पत्र लिखो ताकि ये पत्रों का दौर जो दोबारा शुरू हो जाए. तो मैं सब कठुआ वासियों से सब स्कूल वालों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हो, हर स्कूल हर को सबको प्राइज मिले. स्टेट लेवल पे भी कंपटीशन होता है, ये नेशनल लेवल पे भी कंपटीशन होता है. तो बहुत 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 खुशी हो रही, बहुत ही खुशी हो रही, मैं बयान नहीं कर सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है कि हमारा कठुआ का पोस्ट ऑफिस और हमारे मैम एक लेडीज हैं, इतने लोगों ने कंपटीशन सब करते हैं लेकिन प्राइज किसी किसी को मिलता है, पर सब लोग जीतने के लिए ही करें, इसमें भाग लें, बढ़ चढ़ कर भाग लें. और मेरी यही गुजारिश है कि आने वाले दिनों में सितंबर अक्टूबर से दोबारा ये कंपटीशन होंगे, जो भी कंपटीशन होंगे इसमें हर कोई जैसे भी होगा हर कोई इसमें भाग ले ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइज जो है हमारे कठुआ वासियों को मिले. इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ आप लोग. जी मैम, आपका नाम? सुनीता गुप्ता. इतने गर्व की बात है आपके लिए? ये तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है आज, बड़ा अच्छा ऐसे फील हो रहा है कि ये तो सभी को ऐसे बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेना चाहिए, सभी को कंपटीशन में आना चाहिए ताकि हर कोई को ये उत्साहित हो कि मेरे को प्राइज मिले. तो आज मैं बड़ी खुश हूँ कि मेरे को. कितने लोग थे इसमें पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है और आपने जो फर्स्ट प्राइज स्टेट में हासिल किया है? स्टेट में तो बहुत सारे लोग थे इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो फर्स्ट प्राइज वो मुझे मिला वो बड़े गर्व की बात है मेरे लिए भी और सभी कठुआ वासियों के लिए. हाँ जी, महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा जो महिलाएं? नहीं, सभी महिलाओं को इसमें भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे क्या है कि हमें पता चलेगा कि जो हम पहले हम पत्र लिखते थे, चिट्ठियां वगैरह लिखते थे, तो आज का सारा बंद हो गया. तो इससे क्या है कि हमें लिखने का पता चल कि हमें लेटर कैसे भेजना है किसी को भी, अपने किसी को भी.
तो ये बड़ा अच्छा है, सभी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, महिलाओं को भी इसमें ज्यादा वो करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमारे लड़कियां जो हर फील्ड में बहुत दूर तक पहुंची हुई हैं। इस कंपटीशन में आपने कैसे पार्टिसिपेट किया था और कहां किया था? ये हमारे स्कूल में ना पोस्ट ऑफिस से ही आया था, तो हमारे शिमानी मैडम जी हैं कॉस्मिकर स्कूल के, जो उन्होंने हमें बताया था कि ये कंपटीशन हो रहा है, इसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और टीचर्स भी कर सकते हैं, तो स्कूल से ही हमें पता चला था, कॉस्मिकर स्कूल से ही, कि इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मैंने भी लेटर लिखा, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो मेरे को प्राइज मिला। शिवानी जम्बवाल जी मैम, आप स्कूल की टीचर ने जो है स्टेट लेवल में फर्स्ट प्राइज हासिल किया है। बीइंग अ पार्ट ऑफ कॉस्मिक फैमिली आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एट दिस मोमेंट कि हमारे स्कूल की जो टीचर हैं मिसेज सुनीता महाजन, उन्होंने फर्स्ट प्राइज जो है वो ऑप्ट किया है जे एन के स्टेट में। ये कंपटीशन जो है हमारा पोस्ट ऑफिस की तरफ से मुझे एक सर्कुलर पास हुआ था जो कि मिसेज नीरू संब्याल जी के द्वारा मुझे मिला था, तो उस सर्कुलर में था कि हमारे स्कूल में कंपटीशन होने जा रहा है जो कि जिसमें स्टूडेंट्स भी पार्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्लस स्टाफ मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैंने ये सर्कुलर जो है अपना फॉरवर्ड किया, स्टूडेंट्स को भी पहुंचाया और स्टाफ को भी बोला कि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, तो कुछ स्टाफ ने इंटरेस्ट दिखाया और उनमें से एक सुनीता गुप्ता जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और इस रिस्पांस की वजह से आज उनको जो है फर्स्ट प्राइज जो है स्टेट लेवल पे मिला है। एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि आज भी हमारा स्कूल कहीं भी कम नहीं है और पीछे नहीं है। इससे पहले भी इन 1992 और वो भी इसी मंथ की बात है, 20th August, आई वॉज वेरी स्मॉल दैट टाइम, और स्वामी सर ने वो कॉम्पिटिशन अपने स्कूल में हेल्ड करवाया था और उस कॉम्पिटिशन में जो है वो एस सी राइटिंग कॉम्पिटिशन था, तो उस कॉम्पिटिशन में भी वीना शर्मा जो कि हमारे स्कूल की स्टूडेंट रह चुकी हैं, आज बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, तो उन्होंने फर्स्ट प्राइज लिया था और उनको स्वामी सर उनके फादर के साथ उनको दिल्ली लेके गए थे और वहाँ पे श्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने उनको फर्स्ट प्राइज दिया था और आज फिर एक बार हमारे स्कूल ने फर्स्ट रैंक स्टेट लेवल पे ऑप्ट किया है। तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि, और मैं सबको कठुआ के सब स्कूल्स को, सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी वुमेन्स हैं, चाहे वो मेन हैं, कि ऐसे अगर आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्लीज़ आप ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट कीजिए और ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। हर आपको देखें इतनी सारी फील्ड्स हैं और इतनी सारी फील्ड से अगर आपको कहीं से भी कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर इसको आप अपनाएं।